आरपी नर्सिंग स्कूल मेन रोड टनवा गढ़वा झारखंड एएनएम जीएनएम डी फार्मा में नामांकन प्रारंभ है। जल्द करें, सीट सीमित है। संपर्क मोबाइल नंबर है 6207580137। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। शिरवंशीधर नगर झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक ब्रिजेश कुमार को मंगलवार की शाम कर्मचारियों ने अन्य वस्त्र देकर भावभीनी विदाई दी। कर्मचारियों ने बताया कि उनका चयन जिला प्रबंधक के रूप में बिहार के में हुआ है। इस अवसर पर ब्रिजेश कुमार ने कहा कि वंशीधर नगर से मेरा लगाव काफी हो चुका है। उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकाल काफी सुखद और लाभप्रद रहा, मुझे बहुत कुछ सीखने को प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारी एक दूसरे के साथ सहयोग कर वंशीधर नगर का नाम पूरे जिला स्तर और राज्य स्तर पर नंबर वन पर बनाए रखे हैं। मौके पर मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी रविशंकर कुमार सिंह, बिलासपुर शाखा प्रबंधक अविनाश कुमार, फील्ड ऑफिसर निशांत कुमार, प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक धुरकी अंजनी कुमार, केतार के ब्रिजेश शर्मा, खरौंधी के तेजू खरवार, गुलाम जिलानी, विजय कुमार, सुदामा कुमार, मुटके सिंह, राजकुमार, भरत कुमार, निधि भारती, कुमारी जया, योगेंद्र कुमार, संजय राम, नीरज मिश्रा, पल्लवी, आलोक कुमार, प्रमोद कुमार, आनंद कुमार, अतुल कुमार एवं वशिष्ठ मुनि सहित अन्य लोग शामिल थे। पहले हम लोग भी सरकारी स्कूल में फासला चुआ रहा, तो पहले नहीं समझ में आता था क्या है रसरी है क्या है थी। लेकिन जब यही कहानी हम लोग ट्रेनिंग के दौरान महिलाओं को समझाते थे या खुद ही करते थे या खुद हुआ, मैंने अपने पढ़ने के टाइम में सबसे मतलब एक मीडियम है स्टूडेंट, तो मेरा काम रहता था कि मैं खरगोश नहीं हूँ, एक कछुआ जरूर हूँ। और खरगोश को हराना कौन हरा सकता है, तो कछुआ ही हरा सकता है। मैं कर सकता हूँ, मेहनत के बल पर मैं उसके बराबर पहुंचूंगा। मैं तेज नहीं हूँ लेकिन मैं इतना मेहनत करूंगा कि जो तेज वाले के बराबर जा सकता हूँ। ये कि मेरी शुरू से सोच यही रही। हमको मैथ नहीं आता था तो मैथ को हमने मतलब पूरा मतलब 20 बार बना। मेरे जो गुरु जी थे मतलब एक गुने चार लिख देते थे, एक मैथ बना दिए एक गुने चार बना, एक गुने छः बना, मतलब एक मैथ को छः बार बनाए, एक मैथ के हम छः बार बनाएंगे तो ऑलरेडी सारा चीज कैसे करके आप समझ गए। एक वही होता है कि हम लोग कहीं भी चाहे छोटे पोस्ट हो या बड़े पोस्ट पर हो, किसी से भी कुछ सीखने को मिले तो सीखना है। यही समझना है कि हम सी सी एम से नहीं सीख सकते हैं और हमारे बी पी एम से नहीं सीख सकते, तो सबसे सीखने की जरूरत है और जीवन भर सीखते रहना है। और सीखते ही जितना सीखेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। और जो भी बड़े हैं ठीक है, पद में बड़े हो जाते हैं, लेकिन जब कितना भी पद में कोई बड़ा हो जाता है तो ऐसा नहीं कि उसने गार्जियन को भूल जाए, ठीक है ना, क्या जो उसको मार्गदर्शक है, गुरु तो गुरु होता है ना, तो गुरु को कोई भूल नहीं सकता है। जो एक शब्द भी सिखाया, एक बात भी सिखाया जिसके मार्गदर्शन में आप आगे बढ़े हो, तो उसको भूल गए तो मतलब स्वार्थी आदमी उसको, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम भी आप लोग से बहुत कुछ सीखे हैं और तभी यहाँ से वो जो प्रदर्शन हुआ है वो हुआ है और जा रहे हैं। लेकिन बिना सीखे हुए बिना एक एक चीज़ होता है, जब इंटरव्यू में बैठते हैं तो उन्हें क्या पूछना है, कैसे पूछना है, क्या बात करना है, कैसे जवाब देना है, सारे चीज़ों को देखना पड़ता है। तो वहाँ पर एक एक चीज़ ये सीन याद आता है कि हमने फील्ड में क्या किया था, हम गए थे पूछ के ब्रांच में, आप जाओगे तो ब्रांच से कैसे बात करो, कैसे उनसे दिखा, तो हमारे जो गुरु थे वो सिखाए थे ब्रांच में जाओ तो एक ही काम करो कि जैसे ब्रांच में बोले वैसे करो, अगर लीगली ठीक है तो ठीक है, तो तुम्हारा काम कभी रुकेगा ही नहीं। हम बोलते थे कि हमारे सीनियर थे तो कुंदन झा थे, तो वो मतलब कभी उनके काम कभी रुकता नहीं था, हम जाते थे साथ में रुक जाता था, उन्होंने क्या करते थे, तो एक ही हमको गुरु मन थी कि भाई जाओ तो जो बोले एक्सेप्ट करो करो, अब बस काम तुम्हारा कभी रुकेगा नहीं। अब डॉक्यूमेंट चाहिए तो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं साहब, अब डॉक्यूमेंट कहीं नहीं आप जबरदस्ती खोली है, हम पहली कराएंगे आरएम से डीआरएम उसे तो नहीं खुल जाएगा, मैंने डॉक्यूमेंट देना है। तो हम लोग को ये बराबर बात होते रहती है,
भाई क्या चीज हो सकता है, तो ये समझना पड़ेगा कि आगे नीड्स क्या है, जो नीड्स है वो पूरा करना पड़ेगा। तो उसमें कई दो चीजें के मतलब कुछ कुछ चीज है जहाँ पर हमें जैसे मीटिंग कम हुआ है ठीक है चल सकता है, लेकिन डॉक्यूमेंट अगर गलत है तो नहीं चलेगा, उसके लिए आपको देना पड़ेगा। तो सारे चीज है अच्छा रहा, सभी लोग का साथ अच्छा रहा, और जा तो रहे हैं लेकिन हम इसी भवन में रहेंगे हमेशा, और आप लोग भी रूम में जाएंगे तो हम भी याद आते रहेंगे। और मैं तो अपने यहाँ मतलब सभी लोग, कल ही आलोक जी से बात हो रही थी रात में व्हाट्सएप के माध्यम से, तो लिखे कि सर जा रहे हैं लेकिन बहुत याद आएंगे, तो जा तो रहे हैं लेकिन दिल में ही हम पूरे कहाँ जा रहे हैं, तो खाली शरीर जा रहा है, आज पूरा तो यहीं रहेगा, तो सपना रोज तो यहीं का आएगा कि अभी भी हम जा रहे हैं बिलासपुर ब्रांच, अभी भी जा रहे हैं सीबीआई ब्रांच, और सभी लोग से अभी भी जोगिंदर जी से बात कर रहे हैं ठीक है ना, बोले जोगिंदर जी के होता है तो ऐसा नहीं है। देखिए हम लोग भी, आप जो अभी तो कम बोलते हैं, और जब मैं सीसी था उसमें जिला का कोई प्रबंधक मेरे प्रखंड में आकर एक शब्द बोल नहीं सकता, क्योंकि हमारे जवाब सवालों का जवाब नहीं, उसके मतलब नहीं काम करने के कारण मेरा काम रुका रहता। तो हम लोग जब सीसी थे तो उस समय मतलब एकदम व्यंग से बोले ना भैया कि अब ग्रेजुएशन पास किए मैं सीसी ज्वाइन किया 21 साल या 20 साल हो गए, 20 साल से 4 साल 5 साल मतलब 9 से 13 तक जब सीसी रहे अप्रैल 13 तक, उस समय और एकदम सुदूर देहात जहाँ नदी पार करना है साइकिल से जाना है, जो आप सोचते हैं देहात वैसा होना चाहिए वैसा ही, लेकिन वहाँ जो हम किए आज भी झारखंड की स्थिति वैसे ही जैसे बिहार में हम किए थे 10 साल पहले, आज बिहार में आपका झारखंड में तो अभी भी वैसी स्थिति है। तो हम लोग को जिस कमेटी के लिए काम करें तो थोड़ा ईमानदारी से उसके साथ काम करने की जरूरत है ताकि उसका जीवन में बदलाव आए। ये हम लोग जो काम कर रहे हैं समझिए कि पुण्य काम, किशोर पाठक हम लोग के मुख्य विधि पदाधिकारी बोले थे कि गांधी जी को ऐसा नहीं मिला, गांधी जी क्या करते थे मेहनत करते हैं काम किए लोग विकास के ताज है ना सर्वनाम लेता है राष्ट्रपिता बन गए, और हम लोग भी गांधी जी वाला काम करते हैं लेकिन हम लोग को पैसा भी मिलता है, पुण्य भी मिल रहा है पैसा भी मिलता है, ऐसा काम दुनिया में कोई नहीं है, और यही सोच के हम काम करते हैं, इस काम भी करते हैं पैसा, जिस दिन हम ले लिए ना आज हम रूम में एक दिन अगर रह जाते हैं तो फिर हमको उस दिन का नहीं होता है कि हमने आज 1,000 रुपया लिया सरकार का, 1,000 रुपया क्यों लिया, क्योंकि आज हमने कोई काम ही नहीं किया, पैसा लेने का मैं अधिकार हूँ ही नहीं, और इस बात को जिस दिन आप सोच लीजिएगा तो कभी आपसे कोई दिक्कत शिकायत नहीं। तो अच्छा है हम अपने सभी कर्मी सभी सहकर्मी और मेरे बड़े भाई और हमारे शाखा प्रबंधक महोदय मेहमी और सारे एपीसी सीसी हमारे जीना जी सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज आप लोग एक हमको एक प्रोत्साहित करने काम किए हैं, और जो हमने काम किया उसका आप लोगों ने एक हमको अचीवमेंट यही अचीवमेंट मिला कि आज आप सब लोग जो हमारे प्रति इतना आभार व्यक्त किए हैं हमारे लिए सही बोली है जय, यही सबसे बड़ा पुरस्कार है, दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ठीक है हम लोग जाते आते हैं आए थे सुझाएंगे राजा रंग फकीर कोई सिंहासन चढ़ चला कोई जाए बंधन चलिए, तो यहाँ तो सिंहासन चढ़ के भी जा रहे हैं लेकिन जंजीर से बांध के भी जा रहे हैं, तो यहाँ दोनों बात संक्षिप्त में दिखाई दे रहे हैं। ये पहले हम ये कहावत कहते थे कि मत मान लेते कि गलत करता है तो जेल जाता है और सही करता है तो राजा बन जाता है, लेकिन यहाँ सिंहासन तो चढ़ के जा रहे हैं ठीक है मेरे प्रमोशन हो गया, हथकड़ी इस बात का बना है कि आप लोगों का प्रेम रूपी हथकड़ी बन गया है जो मतलब वो हम तोड़ नहीं। धन्यवाद। गढ़वा पलामू में जीवी डिजिटल नेटवर्क इंटरनेट सेवा प्रोवाइडर पाएं 100 Mbps हाई स्पीड इंटरनेट अनलिमिटेड डेटा के साथ, संपर्क करें डंडवा मेन रोड गढ़वा, हमारा नंबर है 8969715024।